समस्तीपुर जिले के नरघोगी स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य अब अंतिम चरण में है। शीघ्र ही स्वास्थ्य सुविधा के शुरू होने की संभावना है। नए मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक विभाग जोर शोर से जुटा है। जिला मुख्यालय से लेकर पटना तक के अधिकारियों की टीम लगातार मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य का जायजा ले रही है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही एजेंसी को 30 दिसंबर तक हर हाल में कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो संभावना जताई जा रही है कि खरमास के बाद नए वर्ष में 15 जनवरी से मेडिकल कॉलेज में ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इस श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का निर्माण 4 साल में पूरा करना था। इसमें निर्माण एजेंसी को भवनों का निर्माण अविलंब पूरा कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया था। 6 नवंबर 2019 को इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण 4 साल में इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया, जिसे अब सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा कराने के लिए कमर कसे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार डीएम और प्रधान सचिव निर्माण कार्य का निरीक्षण कर चुके हैं। 592 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल होगा। मेडिकल कॉलेज बनने से समस्तीपुर जिला के लोगों के अलावा आसपास के जिलों के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में भी निर्माण पूरा होने और उद्घाटन को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। ये हम लोग के लिए एक गौरव की बात है कि समस्तीपुर में हमारे रंजन ब्लॉक में ये श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का को सिलेक्ट किया गया और बनाया जा रहा है। तो इस बिल्डिंग का करीब करीब 90% बन गया है। खास करके इसके दो कंपोनेंट हैं, मेडिकल कॉलेज और दूसरा अस्पताल। तो अस्पताल का करीब करीब 90% काम हो चुका है और मेडिकल कॉलेज जहाँ पर पढ़ाई होगी मेडिकल स्टूडेंट्स के, जहाँ वो रहेंगे, उसका भी वर्क प्रोग्रेस में है। वो करीब करीब 60% काम उसका हो चुका है। तो तत्काल के लिए था कि एक टाइम लैग के कारण के तहत इसको शुरू करना था, इसलिए फिलहाल ये अस्पताल जो है राम जानकी मेडिकल कॉलेज का अस्पताल, उसका उद्घाटन करने की योजना थी हम लोग की 15 दिसंबर। लेकिन चूंकि कार्य उतना पूरा नहीं किया जा पा रहा है, लगा कि नहीं कर पाएंगे हम लोग, चूँकि 2 तारीख को इसकी बैठक हुई थी, 2 दिसंबर को, जिसमें कि हमारे मंत्री महोदय भी आए थे और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी डीएम साहब एसपी साहब सबके साथ बैठक हुई थी। तो वो निर्णय लिया गया उस समय कि 15 दिसंबर को हम लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर 6 तारीख को बैठक हुई थी, तो उसमें फिर हुआ कि शायद करने में कुछ कठिनाई हो। इसके लिए हम लोगों ने विभाग में भी संपर्क किया था, स्वास्थ्य विभाग में, तो वहाँ भी थोड़ा संशय की स्थिति थी और वो लोग चाह रहे थे कि चूँकि 15 तारीख के बाद फिर भदवारी, क्या होता है, भदवारी है, खरमास हो जाएगा, तो इसलिए फिर 1 महीना हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए तत्काल अभी जो अभी की जो स्थिति है, जो विभाग सोच रहा है या हमारे प्रशासन के लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में इसका उद्घाटन कराने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लोग बारंबार वहाँ मीटिंग करके और अपने अपने विभाग के लोग, सभी लोग अपना अपना काम संपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा विभाग जहाँ तक चूँकि अस्पताल है, तो हमारे विभाग की उसमें भागीदारी बहुत अधिक है, तो इसके लिए हम लोग बारंबार वहाँ पर करीब करीब प्रत्येक दिन जाते हैं और मीटिंग करके वहाँ जो जो काम बचे हुए हैं वो उसको पूरा करवा रहे हैं। और एक सदर अस्पताल, एक अस्पताल का लुक देने के लिए, क्योंकि जब उद्घाटन होगा तो उसके बाद वो अस्पताल, उस दिन तो उद्घाटन अगर होगा तो चलेगा ही, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद भी उस अस्पताल का संचालन हम लोग करेंगे। तो तत्काल अस्पताल के संचालन के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। इक्विपमेंट्स का जहाँ तक सवाल है, ऑलरेडी टेंडर हो चुका है BMSSL के माध्यम से, तो उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं और धीरे धीरे वो इक्विपमेंट्स देंगे तो उसको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे वहाँ पर। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स का मामला है, उसके लिए हम लोग सरकार से संपर्क में हैं, विभाग से, तो वहाँ से भी वो लोग पोस्टिंग करेंगे, तो जितना कर पाएंगे करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर जो हमारे हैं पैरामेडिक्स हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इसमें से भी कुछ को हम लोग डेपुटेशन करके वहाँ पर हम लोग अस्पताल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत कर लेंगे तो फिर धीरे धीरे करके हम लोग वेल अच्छे तरीके से उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे। इसके लिए मुझे मंत्री महोदय ने भी कहा, हमारे वरीय पदाधिकारी लोगों ने कहा है कि आप इस कार्य को अंजाम देने में मदद करें ताकि काम अच्छे से शुरुआत हो सके। हम लोग लगे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में कितने सीटों पर पढ़ाई होगी?
सीट तो 100 से 125 के आसपास सीट्स रहते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में। तो कब तक वो सत्र वहाँ पे पढ़ाई पढ़ाए? अगले साल से उम्मीद है कि शुरू हो जाए।